वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आजकल राजस्थान में सरपंच और पंच, सीआर और डीआर, प्रमुख और प्रधान के चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसे देखते हुए मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सरपंच और पंच के चुनाव में चाहिए, सीआर और डीआर के चुनाव में चाहिए, क्या क्या चीजें निर्वाचन आयोग मांगती है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपको जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों मान लो दोस्तों आप पंच वार्ड मेंबर और सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों दोस्तों अगर आप पंच और सरपंच के चुनाव लड़ने मैदान में हो तो आपको अगर सामान्य सीट है तो आपको मूल निवास की जरूरत पड़ेगी, वहां की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जो पंचायत समिति है उसमें अगर आपकी कोई बकाया राशि है तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। इसी के साथ साथ शौचालय का प्रमाण पत्र, अपराध संबंधी प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र। दोस्तों राजस्थान में ये रूल है कि अगर 95 के बाद 2 से 3 संतान है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सारी चीजें आपको उस फॉर्म में भरनी पड़ती है। अगर आप इस प्रकार की जानकारी झूठी या गलत देते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों सरपंच पंच अगर सामान्य सीट है तो आपको वहां का मूल निवास प्लस वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप अगर योग्यता है 21 साल तक आपकी आयु होनी चाहिए, 21 से कम वाला व्यक्ति सरपंच पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, इसमें फॉर्म में आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप 10वीं 12वीं पास हो तो आप मार्कशीट लगा सकते हो, अगर सामान्य सीट है तो आप मूल निवास लगाना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ अगर ओबीसी सीट आती है तो आपको ओबीसी सीट आती है तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र आपको पेश करना पड़ेगा क्योंकि वो सीट ही ओबीसी की है, इसलिए ये सारी चीजें आपको उस फॉर्म में देनी पड़ेगी। उसी प्रकार एससी एसटी आ जाती है तो एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी और उस फॉर्म में सारी चीजें भरनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने ये रूल बना लिया है कि 95 के बाद किसी भी व्यक्ति के 2 से 3 संतान है तो वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, ये सारी चीजें राजस्थान सरकार ने बना रखी है। और मैं एक बार डिटेल से आपको बता देता हूं दोस्तों, सरपंच चुनाव में कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने जा रहा है तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख ले। इसमें फर्स्ट नंबर आपका आधार कार्ड आपके पास रहना चाहिए, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आपके पास होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपके साथ होना चाहिए कब किसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वोटिंग लिस्ट में आपका वहां का मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और वहां की जो क्रमांक रंगिया वार्ड संख्या भाग संख्या आपको उस फॉर्म में अच्छी तरह से भर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं कहने का मतलब इस वीडियो में है कि अगर कोई व्यक्ति को ये सारी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर सामान्य सीट है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसके साथ साथ वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, कौन से वार्ड में हो, सारी चीजें आपको वकील के माध्यम से फॉर्म को भरवा लेना चाहिए। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती है तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। इसी प्रकार अगर ओबीसी सीट है तो मूल निवास के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का होना चाहिए क्योंकि सीट ही ऑलरेडी ओबीसी की है। इसी के साथ साथ अगर एससी की हो तो एससी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एसटी की हो तो एसटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, महिला है पुरुष, ये सारी चीजें उस निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा की जाती है कि महिला सीट है, पुरुष सीट है, क्या सीट, सारी चीजें निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। इसी के साथ साथ अगर व्यक्ति इन चीजों के साथ साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसमें सारी चीजें देख लेनी चाहिए कि क्या क्या घोषणा मांग रहे हैं, जैसे संतान संबंधी घोषणा पत्र, अपराध संबंधी घोषणा पत्र, शौचालय का होना अनिवार्य है और शिक्षा है उसको गवर्नमेंट ने अभी हटा दी है। इसलिए दोस्तों अगर ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरा कानून की आवाज चैनल देखते रहिए और लीगल जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हो। और अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो आप लाइक और शेयर जरूर करें।